हे एवरीवन, हेलो एंड नमस्ते। तो इस वीडियो में मैं आपको अपनी कुछ DIYs दिखाऊंगी जो कि मैंने लास्ट मोमेंट में की है। तो जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं वैष्णो देवी चली गई, तो मेरे पास बहुत ही कम टाइम बचा था और बजट में रखते हुए मैंने सारी चीज़ों को 2 दिनों में ही प्रिपरेशंस की है दिवाली की। तो यहाँ पर सबसे पहली मेरी जो DIYs है, तो यहाँ पर मैंने जो है इलेक्ट्रॉनिक कैंडल्स का यूज़ किया है जिसे मैंने डेकोरेट किया है। जो सेलो टेप्स आते हैं शाइनिंग ग्लिटर्स में, और उसके बाद कुछ मैंने यहाँ पे रेड कलर के और गोल्डन कलर के मोतियों का यूज़ किया है। तो इस तरीके से मैंने इसे डेकोरेट किया है। और इसका यूज़ मैं कैसे करूँगी ये आपको मैं आगे दिखाऊँगी, तो उसके लिए बने रहिए मेरे इस वीडियो में। और जलने के बाद देखिए इसका इफ़ेक्ट कुछ ऐसा आ रहा है। और उसके बाद यहाँ पे मेरा सेकंड DIYs है। सब जैसे कि दिवाली में रंगोली बनती है, तो यहाँ पे मैं कलर्स बाहर से नहीं खरीद रही हूँ, घर पे ही बना रही हूँ और बहुत ही इजी तरीके में से ये बन जाते हैं। तो इसको बनाने के लिए मैंने नमक का यूज़ किया है जो कि 10-12 रुपए की एक पैकेट आती है, और एक पैकेट में हमारे सारे कलर बन के रेडी हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने ब्लू, ग्रीन, येलो और रेड इस तरीके से सारे कलर्स को बना लिया है। तो जैसे कि कलर को मिक्स करेंगे हम, तो थोड़ा सा हमारा नमक जो है वो गीला हो जाएगा, तो उसके लिए हम जो है इसे एक पेपर में अच्छे से बिछा देंगे फैला के, और हमारा कुछ टाइम में ही ये सूख के हमारा कलर जो है बन के रेडी हो जाएगा। थर्ड DIYs मेरा ये है कि जो हमारे जो पेड़ होते हैं, गमले हैं, तो उसे मैंने स्टोन से और कुछ लाइटिंग से कवर अप किया है, जिससे कि मेरी ये बालकनी जो है इसका लुक बिल्कुल अलग हो गया है दिवाली में। और बस लग रहा है कि हाँ, अभी दिवाली के लिए घर मेरा बिल्कुल रेडी है। और यहाँ पे उसी लाइटिंग को मैंने हैंगिंग जो हमारे गमले हैं उस पर भी सजा दिया है। और उसके बाद यहाँ पर मैंने मेन गेट पर जो है बंदरवान लगाया है, और लटकन साइड में मैंने लगाया हुए हैं। और मेरी जो नेक्स्ट DIYs है, मैंने आप देख सकते हैं मेरी वॉच है, उसके नीचे मैंने स्माइली स्टिकर्स जो हैं उसे स्टिक किया है, और उसके नीचे मैंने कैंडल्स का यूज़ किया है जो मैंने आपको पहले दिखाई है। और उसके बाद यहाँ पे मैंने प्लक्स के ऊपर छोटी सी कीरिंग्स है मेरी, तो उसे मैंने रख दिया है जिससे कि ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे कि हम अपने घर को दिवाली में बहुत ही जल्दी और इजी तरीके से हम डेकोरेट कर सकते हैं। और फोर्थ यहाँ पे मेरा की, मैंने ये जयपुर गई थी तो वहाँ से लेके आए थे, तो मेरे पास रखा हुआ था, तो यहाँ पे मैंने मेन अपने डोर पे लगाया हुआ है जहाँ पे हम अपनी कीरिंग्स को लगा सकते हैं, और बहुत ही सुंदर लग रहा है। इसके साइड पे भी मैंने जो है कैंडल्स को लगाया है, और इसको देखिए ये जब अंधेरा हो जाता है तो इसका इफ़ेक्ट कितना प्यारा दिख रहा है। और यहाँ पर ये DIYs जो मेरी है, ये मेरी सबसे फेवरेट DIYs है जिसमें कि मैंने अपने कुछ घर की चीज़ों को ही यूज़ किया है, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था। और घर की चीज़ों से जैसे कि यहाँ पे मैंने जो स्टिक फाइल्स होती है उसका यूज़ किया है, और उसके बाद मेरे पास कुछ फ्लावर्स थे तो उसे मैंने स्टिक फाइल्स में स्टक कर दिया है। उसके बाद जो स्टारिंग के ग्लिटर्स होते हैं उसे मैंने लगाया है, और साइड में जो टेसल्स देख रहे हैं आप, यहाँ पे मैंने जो हमारे ब्लाउज के टेसल्स होते हैं, यस, मैंने उसे यूज़ किया है डेकोरेट करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इंस्टेंट टाइम पे हम ईज़िली कर सकते हैं अपने घर पे। और यहाँ पे भी मैंने जो है उसी इलेक्ट्रॉनिक कैंडल्स का ही यूज़ किया है, और ये मेरा फेवरेट DIYs है जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और नेक्स्ट यहाँ पे मेरा जो है, मैंने बाउल्स में कुछ फ्लावर्स रख के और अपने जो विंडो साइड है उसे भी ऐसे कुछ डेकोरेट किया है, तो ये बहुत ही प्यारा लग रहा है। और इसी तरीके से मैंने जो टेबल्स है हमारी उस पर भी मैंने इसे डेकोरेट किया है। यहाँ पे मैंने जो है अपने जो बाउल्स हैं उस पर मैंने स्टार से और स्टार के ग्लिटर से मैंने डेकोरेट किया है, और पानी पे मैंने जो है कुछ कलर्स मिला दिए हैं, तो उससे इसका इफ़ेक्ट बहुत ही सुंदर लग रहा है।
नेक्स्ट DIY में मैंने जो है यहाँ पे पूजा के स्थान पे डेकोरेट करने के लिए एक बाउल का यूज़ किया है, जिसे कि मैंने रेड एंड वाइट मूर्ति से डेकोरेट किया है और उसमें भी कुछ पानी डाल के फ्लावर्स से डेकोरेशन किया है। और नेक्स्ट DIYs में मैंने जो है यहाँ पे मेरी एक वॉल है किचन की, जिसे कि मैंने रैक, हमारा मेरे पास एक की रैक था तो उसे किया है यूज़। और उसके बाद अक्सर हमारे पास मंगलसूत्र बजते हैं तो उसे मैंने नीचे डेकोरेट किया, यहाँ पे भी कैंडल्स का यूज़ किया है मैंने। और उसके बाद नेक्स्ट DIYs यहाँ पे जो हमारे बेड हैं उस पर भी मैंने वैसे ही फाइल्स को, और यहाँ पे मैंने वाइट फ्लावर्स का यूज़ किया है डेकोरेशंस के लिए। और उसके बाद जो हमारा बेड के ऊपर का पोर्शन है तो उसे मैंने लाइटिंग से डेकोरेट किया है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने रेड और गोल्डन दो लाइट्स का यूज़ किया है, तो जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा है। और ये इफ़ेक्ट आप देख सकते हैं किस तरीके से मैंने इसे यूज़ किया है सारी चीज़ों को। तो उस लाइटिंग को मैंने पर्दे पे भी थोड़ा सा लगा दिया है, तो इस तरीके से मैंने अपने इस घर को इस दिवाली में डेकोरेट किया है। और मेरे बेड का ऊपर का पोर्शन बिल्कुल रेडी है दिवाली के लिए। नेक्स्ट DIYs में मैंने जो है यहाँ पे मोबाइल पाउच पर्स जो होते हैं उसे बेड के साइड पे लगाया है, जिससे कि हमारा मोबाइल भी चार्ज हो जाएगा और हमारी दिवाली की डेकोरेशंस भी हो जाएंगी। तो इस तरीके से इस दिवाली में मैंने बजट को ध्यान में रखते हुए, और जैसे कि मेरे पास दो दिन का टाइम था तो उसे ध्यान में रखते हुए मैंने इस दिवाली की डेकोरेशंस की है। तो इस बार तो नहीं गाइज, लेकिन नेक्स्ट टाइम या फिर किसी और फेस्टिवल्स में ये वीडियो आपके लिए डैम श्योर बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है। तो अगर हो सकती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों को और फ्रेंड्स को। तो मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी, तब तक के लिए टेक केयर एंड नमस्ते, आपका दिन शुभ हो।